First panelist is Mr. Ashit Sinha. Mr. Sinha is a motivational speaker whose thoughts and words have impacted the minds of people of various ages and backgrounds. May we please have a round of applause for him. Having a vast experience with human resource management in various industries, Mr. Sinha has constantly been in touch with a variety of people, making him an expert on a subject very closely linked with people and how they act and behave. And we are glad to have him here with us. I'm really honored because I got an opportunity to be with all of you. And in fact, the Google has made the job so easy that, you know, some of the figures which I've got, some other speakers have already covered it. But nonetheless, that awareness is coming up, so I'm very happy about it. My submission is wasting food, waste everything. Scott says labor, land, water, money, not to mention the love that goes into producing the food. Am I audible? So friends, the majority of the speakers who have come since morning have already covered most of the things, but since I've got 15 minutes, I thought that since, you know, we wasted a lot of time in starting, and my first lesson on time management was by my first boss in coal industry. वो हमेशा लेट आते थे मगर समय से जाते थे तो एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने उनसे पूछा कि सर आप तो मैंने अपने बॉस से पूछा एम आई ऑडिबल टू द लास्ट पर्सन मैंने बॉस से पूछा कि सर आप हमेशा लेट आते हैं मगर बहुत हिम्मत लगी मेरे को आई वॉज वेलफेयर ऑफिसर ट्रेनिंग आता था मगर आप समय से जाते हैं तो उन्होंने कहा दोनों टाइम लेट नहीं होना चाहिए तो दैट्स माई फर्स्ट लेसन ऑन टाइम मैनेजमेंट सो आई ट्राई टू कीप यू नो She is keeping the time, and I'm sure she will remind me at the moment the time gets covered up. So I don't want to waste time because I don't want to waste food. I don't want to waste time also. And at least, अभी जब हम लोग lunch के पहले सोच रहे हैं, so we are talking food for thought or we are thinking of food. Because lunch, मैंने क्यों, you know, I said ladies first because I wanted कि आप लोगों को भूख लगना चाहिए. मगर भूख इतना नहीं लगना चाहिए कि आप ओवर ईट कर लें क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि टुडे इज वर्ल्ड हेल्थ डे आल्सो इफ आई एम राइट 7th of April और हेल्थ के बारे में मैंने ये सुना है कि हिंदुस्तान में ज़्यादा खा के लोग मरते हैं कम खा के बहुत कम लोग मरते हैं मतलब माल न्यूट्रिशन से जितने लोग मरते हैं उससे ज़्यादा ज़्यादा खा के लोग मरते हैं तो हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे खाने की परंपरा है मतलब प्रसाद से लेकर तो कुछ भी अच्छा कर लिया आपने आप क्लास में फर्स्ट आ गया तो कहेगा कि पार्टी दीजिए और खिलाइए एज इफ प्रेम को जताने का एकमात्र तरीका खिलाना है किसी के घर जाइए अगर उसने आपको चाय के लिए नहीं पूछा तो कहेगा कि यार चाय के लिए भी नहीं पूछा और बंगाली लोगों में तो ये परंपरा है कि कोई अगर पानी मांगता है तो पहले उसको कुछ मीठा दिया जाता है उसके बाद में फिर पानी पिलाया जाता है तो हम लोगों की परंपरा कुछ ऐसी रही है कि फूड को लेकर हम ऑब्सेस्ड है यू नो वी आर ऑब्सेस्ड विद द फूड So I thought that food for thought or thought for food पे हम सब लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सारा डेवलपमेंट हमने किया है इस दुनिया में मगर हम अभी तक भूख पर विजय नहीं प्राप्त कर सके भूख पर विजय प्राप्त नहीं कर सके ग्रुप कैप्टन राणा जी ने कहा था कि काश कोई ऐसा टैबलेट होता कोई कैप्सूल होता जो खाने से भूख बढ़ जाती इतने विकास के बावजूद फूड पर या भूख पर हम अभी तक यू नो वी कुडंट विन ओवर वी कुडंट सक्सीड इन कॉन्करिंग द हंगर But thanks to Sri Sri Babaji, because his spiritual hunger has, initiated this movement of creating a campaign on reducing food wasting. And I'm grateful to him for leading this campaign. पहले पटना में हुआ, अब नागपुर में हो रहा है, इसके बाद अहमदाबाद में होगा, और कहाँ कहाँ होगा, और अब तो लगता है कि मैं उस आंदोलन से जुड़ चुका हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन से मुझे जुड़ना चाहिए. Since time immemorial, friends with so-called development process. सबसे दुख की बात तो यह है कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है मैं इसको लेकर बड़ा कंफ्यूज हूँ विकास की परिभाषा मुझे आज तक नहीं पता चली कि विकास किसको कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो सोसाइटी जो सबसे ज़्यादा वेस्ट जनरेट करती है उस सोसाइटी को सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है ये बड़ा दुर्भाग्य है मुझे इसीलिए ये लगता है कि ये स्टैटिस्टिक्स मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप लोगों ने ये सुन चुके हैं आगे बढ़ता हूँ मैं हालांकि एक बार सरसरी निगाहों से आप देख लें इट इज रिफ्रेशिंग योर मेमोरी
in terms of what you have heard since morning. We also know that food waste is a worldwide epidemic, and it is well past time the average person started fighting back. More than, again, you know, I don't want to repeat this, ki kitne crore aur kitne lakh aur kitne million aur kitne billion log kitna food waste kar rahe hain. Maine jab ye, I'm a digitally challenged person, you know. So मेरे को जब ये PowerPoint बनाना था तो मैंने सोचा कि मैं एक स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ तो मैंने स्कूल के एक 11th की बच्ची को कहा कि बेटा मेरे लिए कुछ बना दे, मुझे प्रवचन देना है कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए. तो उसने गूगल वूगल से निकाल के बहुत अच्छा बनाया. अनुजा सोलंकी नाम है उस छोटी सी लड़की का, 11th में पढ़ती है, उसने ये बनाया है. उसने कहा कि आपको ये जानना चाहिए कि यू हैव टू लव योर लेफ्ट ओवर्स. ये जो वाक्य उसका था कि लव योर लेफ्ट ओवर्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि ये आपको दिखा दूँ. फूड रिसाइकलिंग, अब हम लोग सब बोल चुके हैं कि रिड्यूस रिसाइकल यू नो एंड ऑल दोस थिंग्स, बट मुझे हमेशा से ये लगता रहा है कि कच्चा खा के हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे है इसलिए मैं कहूँगा. और कच्चा अगर हम खाना शुरू करें तो पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि जो हम लोग कुकिंग में जितना एनर्जी वेस्ट होता है उसको भी बचा लें. और ये एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी किताब है, कच्चा खाए स्वस्थ रहे नाम की. और उसमें एक तर्क उन्होंने ये दिया था कि आप देखिए कि हमारी लॉन्गेविटी विस अवेस लॉन्गेविटी ऑफ दोज क्रीचर्स हु लिव हु ईट ओनली अनकुक फूड. मसलन ये कि आपने किसी बिल्ली को मछली भून के तल के खाते हुए नहीं देखा होगा नमक मिर्च डाल. मनुष्य ही सिर्फ एक ऐसा प्राणी है जो फूड को कुक करके खाता है, और बाकी के जो जितने क्रीचर्स हैं इस दुनिया के दे डोंट कुक देयर फूड. और लॉन्गेविटी के साथ आप तुलना करके एक कुत्ता कितने दिन में जवान हो जाता है और उसके बाद कितने साल जिंदा रहता है, एक हाथी कितने साल में जवान हो जाता है और कितने साल जिंदा रहता है, तो आप पाएंगे कि यू नो 20 टाइम्स 40 टाइम्स 100 टाइम्स दे. वेयर एज ह्यूमन बींग 25 साल में जवान हो जाता है, 75-80 में चला जाता है. और उसका रीजन ये कहा गया है कि वो कुक करके खाता है. तो ये एक आंदोलन अगर हम साथ साथ ये चलाएं इस आंदोलन के साथ कि हम कच्चा खाएं और स्वस्थ रहें, इफ वी कैन, उसके दो फायदे होंगे. एक तो हमारी लॉन्गेविटी वैसे ही बढ़ेगी जैसे दूसरे जानवरों की है जो लोग जल्दी जवान होते हैं और देर से मरते हैं, और उसी तरह उसके अलावा हम विल बी सेविंग लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ यू नो क्या कहते हैं गैस एंड व्हाट नॉट जो फूड के साथ जाता है. तो कच्चा खाने की आदत डालो, किसी को कच्चा मत चबाए मगर कच्चा खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे. और लोग कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं तो क्या ये जरूरी नहीं है कि एक फूड प्रिंट नाम की भी चीज कोई इवॉल्व हो कि फूड प्रिंट क्या होना चाहिए. ये आप सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में इस समय डिस्पैरिटी बहुत बढ़ रही है. एक तरफ अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं. और मुझे हमेशा इसीलिए लगता रहा है कि जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर सबसे ज़्यादा शराब पैदा कर लूँ इस देश में तो मेरा जीडीपी बढ़ जाए. श्रीलंका अगर सिर्फ चाय उगाते रहे तो और चाय में अगर अबंडेंस प्राप्त कर ले तो उसका जीडीपी बढ़ जाए. सवाल यह है कि क्या हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि हम कैसे वेस्ट रिड्यूस करें. इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज क्या हो रहा है, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कटिंग कॉस्ट वेयर एज नीड इज टू मिनिमाइजिंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट. एंड सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रॉस वेस्ट प्रोड्यूस पर कैपिटा बी कंसिडर्ड टू मेजर डेवलपमेंट. विकास की परिभाषा ये हो कि वो समाज सबसे ज़्यादा विकसित समाज है जो सबसे कम वेस्टेज पैदा करता है, सबसे कम कचरा पैदा करता है. ये मेरी एक दूसरी इच्छा है जो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस ढंग का भी एक आंदोलन चलाएं कि विकास की परिभाषा ये हो कि वो समाज सबसे ज़्यादा विकसित है जो कम से कम वेस्ट पैदा करता है. और फास्ट फूड का जमाना है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि स्लो फूड का एक आंदोलन चलना चाहिए. और स्लो फूड के उस आंदोलन में ही मैं ये जो कच्चा खाए स्वस्थ रहे की बात कर रहा हूँ. और सरकार के ऊपर में एक एडवोकेसी करके दबाव डालना चाहिए कि हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है वो बहुत अच्छे हैं, उस पर अमल होना चाहिए. हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, कुछ हद तक फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, मगर हम लोग directive principle of state policy which is there in our constitution, we do not pressurize none of the political parties sare jo hain agar apne manifesto mein directive principle of state policy ko hi rakh le to is desh ka bahut bada udhar ho sakta hai, bhala ho sakta hai.
And then, friends, we got to have adoption of food security laws. We got to have adoption of stringent laws to reduce wastage of raw and cooked food. And mass campaign for which, you know, I must congratulate the System Research Society's this initiative. And friends, when we see that the world over, while the there is a total disparity which is getting created, सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये है कि total value, मतलब जीवन मूल्यों का बहुत हास हो रहा है. The total you know deterioration in values. So value education is also one of the methodology. Like whatever little I did with this 11th standard girl, at least she became conscious and she was very happy to help me in preparing this PowerPoint presentation. When she said ki uncle iske baad se main ab food waste nahi karungi, to maine pichle dino jab main Sivni se laut raha tha to ek truck ke piche mein ek sher pada tha. Wo sher mujhe bahut acha laga, mujhe laga ki aap logon ko bhi wo sher sunaya jaye. Wo ye sher ye hai ki mana ki duniya bahut buri hai lekin mana ki ye duniya bahut buri hai lekin aapko acha banne se kisne roka hai. बुरी सी दुनिया में अगर हम एक बेईमान अगर इस दुनिया में कम हो जाए तो इस बात की गारंटी है कि दुनिया में एक बेईमान कम है. हम सब लोगों के साथ, मेरे जैसे लोगों के साथ सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि those who can they do and those who can't they preach. So I always say कि दुनिया से बेईमानी खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप खुद ईमानदार बन जाएंगे तो दुनिया में एक बेईमान कम है, इसकी गारंटी आपको हो जाएगी. तो उसी तरह से फूड सेल के मामले में अगर आज मेरे इस बात सुनकर अगर आप में से कोई भी कच्चा खाने के प्रति कमिटमेंट ले ले कि ज्यादा से ज्यादा कच्चा खाए, अगर पक्का बना हो जी, कच्चा हो ही ना हो, सलाद तो रहता ही है किसी भी होटल. और दुनिया दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और वो है कि सिंपल थिंग वी कैन डू टू सेव आवर अर्थ. दुनिया को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ फूड बचाने की बात नहीं कर रहे, जब हम फूड को बचाते हैं तो पूरी दुनिया को भी बचाते हैं. I think you are comfortable with my Hindi, you know, I believe in English. I don't believe in speaking only in English or only in Hindi. So I please forgive me for blending both. To mera ek mujhse log poochte hain ki aap kaun se shehar ko belong karte hain. You know, people ask me which city you belong to, and I always say simplicity. Because simplicity is one of the basic things, you know, which we all must adopt in our life. Hum jitne sabse badi difficulty ye hai ki it is easier said than done. Simplicity is very very difficult. And लोग कहते हैं कि बहुत fashionable हो गया simple होना. It's very difficult to be simple. It's easier said than done. But anyway, friends, we have to resolve social crisis, we have to resolve economic crisis, we have to resolve environmental crisis, and we have to adopt simplicity, live in equity, equanimity, and equality. The state of World Children's Report 1995 by UNICEF has two entirely different, in fact, contradictory scenarios for the year 2050. What are those two? The vision one is we see increasing hunger, ecological destruction, and violence. This is one vision. And the second vision is we see the fulfillment of basic needs, peace, and protection of environment. Now, how do we achieve these two contradictory state vision? Which उसका जवाब यह है दोस्तों कि आफ्टर प्रेजेंटिंग दीज टू यूनिसेफ रिपोर्ट सेज द चॉइस बिटवीन दीज टू फैक्टर्स मस्ट बी मेड नॉट इन 50 इयर्स टाइम बट टुडे. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे वी हैव असेंबल्ड हियर इन दिस सिटी व्हिच इज सिटी ऑफ सिंपलिसिटी विद द ऑरेंज वाटर कंपनी इज ट्राइंग टू कैंपेन फॉर सेव वाटर एंड द इनिशियल द बिगनिंग सिस्टम रिसर्च सोसाइटी हैज मेड. And we, under the leadership of Sri Babaji, we are campaigning for reducing food wastage. So now, friends, because मुझे लगता है 1:30 बजे का time था और जैसा मेरे मैंने सीखा है अपने career के शुरुआत में कि समय से खत्म करना चाहिए, अगर समय से शुरुआत नहीं भी कर सके तो food for thought must be bothering all of you, but I gave you some thought for food. And social entrepreneurs can take initiative to transform this problem into an opportunity. So waste se wealth kaise create kiya jaye, you know, how to create, and there are social entrepreneurship which can perhaps take this opportunity to have many more business which can come by campaigning for reducing waste and for eliminating as much waste as possible.
So, and we need to celebrate, we need to connect, and we need to catalyze with like-minded populace to overcome this distress of food wastage. And of course, again, same thing, a repetition. I'm grateful to you, thankful to the organizers for inviting me. I'll be too happy, too delighted to chair any questions which you would like to have. But as I promised that I'll finish it in time, I think I still have 3 more minutes to go, but I finished, I at least saved 3 minutes. Thank you.